Good morning, kids. How are you? I hope you are all well. Today, our topic is Roman numerals. Today, we revise our topic. So, be ready. Roman versus Arabic numerals. Arabic numerals are the numbers that we use today. Arabic numbers कौन से होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि हम daily routine life में अपनी use करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0 इनको हम क्या कहते हैं Arabic numerals. Roman numerals are used today, but not in everyday writing. Roman numerals आज भी use होते हैं पर daily use में नहीं आते, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? 7 alphabets हैं, I, V, X, L, C, D, M. ठीक है? Roman numerals do not have a symbol for zero. Roman numerals में zero के लिए कोई symbol use नहीं होता. Okay students, आप लोगों ने Roman numerals के बारे में पहले भी मेरे lectures सुने हैं. ठीक है? हम सिर्फ आपको revise कराना चाह रहे हैं topic. Roman symbols. आपको बताया है अभी मैंने के 7 alphabets use होते हैं. I किसके लिए यूज होता है 1 V used for 5 X used for 10 L used for 50 C used for 100 D used for 500 and M used for 1000 ठीक है I use होता है 1 के लिए, V use होता है 5 के लिए, X use होता है 10 के लिए, L use होता है 50 के लिए, C use होता है 100 के लिए, D use होता है 500 के लिए and M use होता है 1000 के लिए, ठीक है? ये आपने याद रखना है. Arabic numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये क्या कहलाते हैं? Arabic numbers. Remember, 4, 5 and 6. हमारे पास digits हैं. 5 के लिए हम क्या use करते हैं? G, V. और V से पहले I लग जाए तो क्या हो जाता है? 4. ठीक है और 6 में हम क्या करते हैं v के बाद i लगा देते हैं तो ये हो जाता है 6 रोमन न्यूमरल्स में 5 के लिए v यूज होता है हम सबको पता है अब जब v से पहले i लगा देंगे तो वो 4 हो जाएगा और v के बाद i लगा देंगे तो वो 6 हो जाएगा 9, 10 and 11. अब आपको पता है कि रोमन न्यूमरल्स में हम 10 के लिए यूज करते हैं x. अब सेम एज जब 9 हमने करना होगा तो हम क्या करेंगे x से पहले i लगा देंगे यानी कि ix क्या हो जाएगा 9 और 11 के लिए x के बाद i लग जाएगा तो ये हो जाएगा 11 ठीक है 9 के लिए यूज होता है ix 10 के लिए यूज होता है x और 11 के लिए यूज होता है xi यूं याद रखना बहुत इजी है कि आप याद रख लें कि 10 के लिए हम यूज करते हैं x और जब हम x से पहले i लगा देंगे तो वो 9 हो जाएगा और x के बाद i लग जाएगा तो वो 11 हो जाएगा ठीक है ना ओके 14 15 16 अब आप मुझे बताएं कि 15 के लिए हम क्या यूज करते हैं जी 10 के लिए यूज करते हैं x और 5 के लिए यूज करते हैं v तो 15 के लिए क्या हो जाएगा xv आपको पता है 10 plus 5 is 15 so we write x and v For 15. अब 14 हमने करना है.
तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते थे, आईवी, और 10 के लिए यूज़ करते थे एक्स। अब हमें पता है 10 + 4 इज 14, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और आईवी, ठीक है, तो हो गया 14। 16 के लिए हम क्या लिखते थे, वी और आई, और इनसे पहले हम x लगा देंगे तो ये हो गया 16, यानी कि एक्स वी आई, ठीक है। 15 के लिए यूज होता है x एंड v, और 14 के लिए x और v के दरमियान i आ जाता है तो वो हो जाता है 14। जैसे आपको पता है कि हम V5 के लिए V यूज़ करते थे और V से पहले 1 लगा देते थे तो 4 हो जाता था, और 10 के लिए यूज़ होता है X, 10 + 4 इज 14, तो 10 के लिए यूज़ होगा X और 4 के लिए यूज़ होगा IV। तो 14 के लिए क्या यूज़ करेंगे, X IV, 15 के लिए XV, 16 के लिए 10 + 6 16 होता है, और 10 हम लिखते हैं x, और 6 कैसे लिखते हैं, v और i, तो ये क्या हो जाएगा 16। अब आप ये देखें 16 हमें राइट करना है, ठीक है, तो 10 के लिए हमने ले लिया x, अब 5 के लिए हम यूज़ करते हैं v, तो ये हो गया 15, और इसके आगे i लगा देंगे तो ये बन जाएगा 16 xvi। ओके, रिमेंबर बच्चों 19 एंड 20, अब 10 के लिए यूज होता है सिंगल x, तो 20 के लिए क्या यूज होगा 2x, क्योंकि 10 + 10 इज 20। इसी तरह अब हमारे पास है 19, तो हम 9 कैसे लिखते हैं, 10 लिखते हैं हम x, और जब x से पहले i लगा देते हैं तो वो बन जाता है 9, तो अब 19 हमें लिखना है, तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं x, यानी कि x i x इज 19। 20 के लिए यूज़ होता है x एंड x, ठीक है, 20 के लिए यूज़ करते हैं हम x और x, क्योंकि 10 + 10 इज 20, 10 के लिए यूज़ होता है x, जब 2x लग जाएंगे तो वो हो जाएगा 20, और इन दोनों के अब 2x के दरमियान में i लग जाएगा तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।